गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, जिहनूं आपां TIR भी बोलदे हां। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इहदे विचों क्वेश्चन आ जांदा हुंदा वट इज़ TIR एंड वट आर द कंडीशनस फॉर द अकरेंस ऑफ TIR। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इहदियां एप्लीकेशनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यह वीडियो जिहड़ी है इहनूं ध्यान दे नाल जिहड़ा देख के समझना है इस टॉपिक नूं। सो स्टार्ट करदे हां। सब तो पहलों TIR हुंदी की है, ठीक है। TIR एक फिनोमिना आ जिहदे करके अगर कोई लाइट जिहड़ी आ उह डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम च जा रही आ, ध्यान नाल सुनना आ, जदों डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम च जा रही आ ते उह की हुंदी आ, एक पॉइंट ते आ के उह डेंसर मीडियम दे विच ही वापस आ जांदी आ, ठीक है। मीनस कि रिफ्रैक्शन होण दी बजाय रिफ्लैक्शन हो जांदी आ, ठीक है। हुण उह रिफ्लैक्शन होण दा रीज़न की है, उहदी कंडीशन की है कि वह तां ही डेंसर मीडियम दे विच वापस आएगी अगर वह जिहड़ी है वह डेंसर ते रेयरर मीडिया का जिहड़ा इंटरफेस है उहदे ते एक इहो जिहे एंगल ते स्ट्राइक करदी है जिहड़ा कि क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा है, ठीक है। कि अगर लाइट जिहड़ी आ वह डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम च जा रही है ते जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस आ वह क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा आ, दैन जिहड़ी रिफ्रैक्शन होण दी बजाए रिफ्लैक्शन हो जाएगी डेंसर मीडियम दे विच ही, ठीक है। हुण देखो इहनूं डायग्राम तो समझो, ये इंटरफेस है जिहड़ा रेयरर मीडियम ते डेंसर मीडियम नूं एक दूजे तों सैपरेट करदा पिया। डेंसर मीडियम दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N2 लै लिया, रेयरर मीडियम दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1 लै लिया। तुसीं एंगल ऑफ जे ते सीधी जा रही है ते सीधी निकल जाएगी रिफ्रैक्शन ते उदों वी नहीं होनी, ठीक है। हुण तुसीं एंगल ऑफ इंसीडेंस इनक्रीज़ किया, ठीक है। जिहड़ी लाइट है वह अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई क्योंकि जिहड़ी लाइट है वह डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम च जा रही है, ठीक है। तुसी एंगल होर एंगल ऑफ इंसीडेंस होर इनक्रीज़ किया तो मान लो जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है उत्थे जिहड़ा आ एंगल जिहड़ा है वह क्रिटिकल एंगल के बराबर आ, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो जिहड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह 90 डिग्री हो गया, मतलब वह जिहड़ी लाइट है वह इंटरफेस के नाल दी नाल ही ट्रैवल कर गई, ठीक है। हुण अगर तुसीं लाइट जिहड़ी आ होर एंगल ऑफ इंसीडेंस वधाओगे लाइट का, ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, फिर रिफ्रैक्शन होण दी बजाय रिफ्लैक्शन हो जाएगी डेंसर मीडियम दे विच ही, इहनूं आपां बोलदे हां TIR। सो वट इज़ क्रिटिकल एंगल, तुहानूं इत्थे आर पॉइंट ते पता लग गया होएगा कि क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसीडेंस के बराबर आ जिहदे लई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किन्ना आ 90 डिग्री, ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस कोरसपोंडिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। जिदा ही जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है वह क्रिटिकल एंगल तो वधेगा तो लाइट जी डेंसर तो रेयरर मीडियम च जाने की बजाए डेंसर मीडियम दे विच ही वापस आ जाएगी तो रिफ्लैक्शन होएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होएगी। हुण कंडीशनस की है, कंडीशन पहली कंडीशन सब तो इंपॉर्टेंट, डेंसर तो रेयरर मीडियम वाले लाइट जानी चाहिए है। अगर लाइट रेयरर तो डेंसर मीडियम च जा रही है फिर TIR कदी नहीं होंगी, TIR उदों ही होएगी जदों लाइट जिहड़ी आ उह डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम च जा रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यह है कि द एंगल ऑफ इंसीडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है वह क्रिटिकल एंगल तो हमेशा ही वड्डा होना चाहिए है, ठीक है। सो क्लीयर। नैक्सट है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एंड क्रिटिकल एंगल। आपां हुण रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एन ते क्रिटिकल एंगल दे विच जिहड़ा आ थीटा सी दे विच रिलेशन फाइंड आउट करांगे विद द हैल्प ऑफ दिस डायग्राम। हुण तुसीं आर पॉइंट ते स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ की कहिंदा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 N2, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ते बराबर हुंदा है। पर इत्थे स्नेल्स लॉ अप्लाई करन दा तरीका जदों आपां मतलब किसे पॉइंट ते स्नेल्स लॉ अप्लाई करदे हां ते किस तरह करदे हां देखो, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किन्ना N2, इहदे च एंगल किन्ना बनदा पिया थीटा सी, ठीक है। इस मीडियम दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किन्ना N1 और इत्थे एंगल किन्ना बनदा पिया 90 डिग्री। जिहड़े पॉइंट ते तुसीं स्नेल्स लॉ अप्लाई करना उत्थे देखना है। आपां की करांगे, N2 नूं साइन आई नाल मल्टीप्लाई कर देंगे और N1 नूं साइन आर नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो तुहाडे कोल की आ गया, N2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N1 साइन 90। कहन दा मतलब यह है कि जिहड़े मीडियम दे विच जिहड़ा एंगल बनता पिया ते जिन्ना उस मीडियम दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है उन्हां नूं तुसीं आपस च मल्टीप्लाई करना है स्नेल्स लॉ अप्लाई करन दे लई,
ठीक है। सो एन टू इज इक्वल एन टू साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन वन साइन 90। इनू मैं एक बार तुम्हें दोबारा दस दी हाँ भी ये आया कि हूँ बच्चे आप देखते हैं कि एन टू साइन थीटा सी एन वन साइन 90 के बराबर किदा आया। ठीक है, ये चीज़ देखने वास्ते तुम जी पहलों सब तो पहलों जी है वो डायग्राम देखो। लाइट जा रही है दूजे मीडियम चो पहले मीडियम च, मतलब टू एन वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, दूजे चो पहले से जा रही है उसी हिसाब ना अपना स्नेल्स लॉ अप्लाई करांगे ना। ठीक है, सो ये आ गया एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हुण इत्थे देखो आई किन्ना थीटा सी, साइन आर किन्ना 90। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया एन टू साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन वन साइन 90। सो ये तरीका थोड़ा जहा कॉम्प्लीकेटेड लगता क्योंकि ये सानू आ लिखने प्रॉब्लम आती है कि किचो किच जा रही है। अगर वन तो टू च जा रही है फिर साइन आई अपॉन साइन आर दे, अगर टू तो वन च जा रही है दैन वो अकॉर्डिंग जरा सू अपलाई करना पैंता। सो सब तो ईजी तरीका यही आ कि जेडे मीडियम चो हैगी है, ठीक है, एन टू जोड़ा आदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है उन्होंने तुम साइन ऑफ आई मल्टीप्लाई कर दो, एन वन साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जेडे मीडियम के जोड़ा एंगल बनता पाया वो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स में साइन ऑफ एंगल के मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर है वह ईजीली आ जाएगा। सो हूँ जोड़ा साइन 91 हूँ, सो एन टू साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन वन, सो इतों एन टू अपॉन एन वन कि आ गया वन अपॉन साइन थीटा सी, सो वन एन टू इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, नैक्सट है एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर। सब तो पहलों आ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जी डायमंड है ठीक है वो जी ब्रिलियंस होंगी है वह रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के करके होंगी है। ठीक है, जोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है डायमंड का वह 2.4 होंगे, ये सब तो रेयर मीडियम आ, यदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सब तो ज़्यादा होंगे, ये मैं तुम्हें पहलों भी दस चुकी हूँ। और ये क्रिटिकल एंगल होंगे 24.4 डिग्री। ठीक है, जोड़ा असली डायमंड होंगे वह शाइन नहीं करता, बट जोड़ा एक डायमंड्स नाल डील करता बंदा या जिहड़े डायमंड्स बनाते हैं वह जिहड़े डायमंड के फेसिस होंगे ने उन्होंने इस तरीके दे नाल ओ कटते हैं ताकि जदों डायमंड के उपर लाइट पे तो वह 24.4 डिग्री तो वधते पे। अगर एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा आ 24.4 डिग्री तो ज़्यादा होएगा यदा मतलब ये क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा हो गया, तो उत्थे रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन होने की बजाय डायमंड के अंदर ही जी लाइट है वह की करी जानी है घूमी जानी है, तो उत्थे मतलब कि वह इदा लगता है कि जिदा डायमंड जोड़ा आ वह शाइन करता पाया क्योंकि वो अंदर बहुत सारिया टी आई आर होंदिया ने क्योंकि उन्होंने कट ही इदा किया फेसिस नू कि जो भी वो लाइट पेगी क्रिटिकल एंगल जोड़ा आ डायमंड का होंगे 24.4 डिग्री वो तो वधते पेगी। नैक्सट है शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, जोड़ा क्रिटिकल एंगल होंगे वाटर एयर का इंटरफेस का वह होंगे 48°45', जिदा ही लाइट जी है वाटर चो जी है वह एयर बबल के सरफेस पर पैंती है तो वह 48°45' तो वध दे एंगल पर पैंती है, मतलब एंगल ऑफ इंसीडेंस इज ग्रेटर दैन एंगल क्रिटिकल एंगल। सो जी टी आई आर है वह उत्थे हुंदी है जिदे करके एयर बबल वाटर दे विच जिहड़ा आ वह शाइन करता है। नैक्सट एप्लीकेशन है मिराज, ये तुसी पहलों भी पढ़िया होना मृग तृष्णा बोलते हैं जिन्हों कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन होंगी वाटर की जिंद ज़्यादातर डेजर्ट के जी देखी जाती है जदों कि किसी ऑबजैक्ट की जी इनवर्टिड इमेज बनती है इन हॉट डेज। हॉट डेज के होंगे है कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होंगी है तो जो ऑबजैक्ट होंगे है कई बार आप रोड पर जाते भी देखते हैं कि जो ट्री होंगे वो इनवर्टिड इमेज बनती पी होंगी है रोड के उपर, पर जो आप दूरों देखते सूँ इदा लगता कि उत्थे पानी है, ये एक तरह की ऑप्टिकल इल्यूजन सू वाटर दिखाई देता है। ठीक है, सो ये किदा हों कि जोड़ा सरफेस आ अर्थ का वो गर्मी के दिनों बहुत ज़्यादा गर्म हों। ठीक है, जोड़ा एयर आ उपर वाली जगह पर मतलब लागे डेंसिटी ज़्यादा है तो हॉट है, उपर वाली जी एयर आ एल्टीट्यूड पर वह डेंसर मीडियम आ। ठीक है, तो जी एयर अर्थ के लागे है वह रेयर मीडियम है। ठीक है, जदों भी जी रेज ऑफ लाइट आदि ने दूर वाले ऑबजैक्ट तो, ठीक है, वह रिफ्रैक्शन के करके बेंड होई जाने तो जिदा ही एंगल ऑफ इंसीडेंस जोड़ा क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा होंगे आ तो जड़िया रेज आ लाइट दियाँ वो टी आई आर सफ़र कर दियाँ ने,
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੌਂਡ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ, ਵੀ ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਮੀਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1.5, ਏਅਰ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਦਾ 1.33 ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਦਾ 1.5, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਗਲਾਸ ਏਅਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 41.8 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ 41.8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ TIR ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 41.8 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਡਿਗਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 41.8। ਸੋ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 45, ਅਗੇਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਟ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਵਰਟ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਟ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਲਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 41.8, TIR ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਫੇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲਾਰ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਲੇਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.458 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 1.440। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਂਸਰ ਦੈਨ ਕਲੇਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਦੈਨ ਹੀ TIR ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ TIR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰ ਡੈਂਸਰ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲੇਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? TIR ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਦਾ TIR। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰ 'ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ TIR ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ TIR ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ
मतलब सिग्नल्स भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। टॉयज़ बनाने वास्ते यूज़ किए जाते हैं, जो टॉयज़ चमकते हैं ठीक है, जिन्हों के मतलब लाइट जी है लाइट का जोड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट दी इमेजेस भेजने वास्ते भी इन्हों जो यूज़ किया जा सकता है।